Hello friends, welcome back to the video series Cracking into Computers powered by Dhaka.wu. आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप को किसी और ने एक्सेस किया है या नहीं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे आपकी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या आपकी पर्सनल पिक्चर्स हो जिनको आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई और उन्हें आपकी परमिशन के बिना एक्सेस करे। आपके आसपास हो सकता है किसी को आपके पासवर्ड का पता हो एंड वो ट्राई करे उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर्स में कुछ सेटिंग कर सकते हैं जिससे कि आप अगली बार देख पाएंगे कि क्या किसी और ने आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया है या नहीं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किसी और ने आपका पर्सनल कंप्यूटर एक्सेस किया है या नहीं, तो सिंपली आप जा सकते हैं सर्च मेन्यू में एंड यहाँ पर आप टाइप कीजिए इवेंट व्यूअर, eventvwr.msc। इसको आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ खोलना पड़ेगा। यहां पे मैंने अपना पासवर्ड डाला। एंड सिंपली आप जाइए विंडोज लॉग्स एंड सिस्टम्स एंड यहां पे स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमारा कंप्यूटर कब टर्न ऑन किया गया है, कब बूट हुआ था लास्ट टाइम। मेरे केस में ये द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड एट द सिस्टम टाइम एंड यहां पर आपको टाइम भी मिल जाएगा, डेट किस टाइम आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था एंड लास्ट किस टाइम आपने शट किया था, शट डाउन। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये आपकी ही एक्टिविटीज हैं या किसी और ने आपके पीछे से आपका कंप्यूटर एक्सेस किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना विंडो सिर्फ लॉग ऑफ किया हो और किसी और ने उसे लॉग ऑन कर लिया हो। उसके लिए आपको विंडोज में एक सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है और उसके बाद आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि क्या किसी और ने आपका कंप्यूटर लॉग ऑन किया है कि नहीं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके लॉग ऑफ करने के बाद किसी और ने आपका कंप्यूटर लॉग ऑन किया था या नहीं, उसके लिए आपको एक सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेगी। सिंपली आप सर्च मेन्यू में जाइए एंड टाइप करिए gpedit.msc। ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहां से आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। यहां पे आइए विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल पॉलिसीज, ऑडिट पॉलिसी और यहां पे एक सिंपल आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा लॉग ऑन इवेंट्स, इस पर डबल क्लिक कीजिए। अगर आप उन अटेम्प्ट्स को ऑडिट करना चाहते हैं जो सक्सेसफुली लॉग ऑन हुए थे तो आप सक्सेस पे क्लिक कर दीजिए एंड अगर आप चाहते हैं कि आप उन इवेंट्स को भी देख पाए कि किसी ने आपका पासवर्ड डाला और वो गलत डाला इसलिए वो विंडोज लॉग इन सक्सेस नहीं हुआ, उसके लिए आप फेलियर भी टिक कर सकते हैं। अप्लाई दी सेटिंग्स और ओके करके इसे बंद कर दीजिए। वापिस आपको वही इवेंट व्यूअर डालना है एंड उसके बाद इवेंट व्यूअर में सिक्योरिटी में आकर आप देख सकते हैं कि आपकी विंडोज लास्ट लॉग ऑन या लॉग ऑफ कब की गई थी। ये मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से किया हुआ था इसलिए ये सारी सेटिंग्स पहले से ट्रैक हो रही हैं। आप देख सकते हैं एन अकाउंट फेल टू लॉग ऑन एंड अकाउंट वॉज सक्सेसफुली लॉग्ड ऑन। सो ये आपको टाइम के साथ बताएगा एक्टिविटीज जो कि आपके कंप्यूटर में हुई थी। इससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपके पीछे से किसी और ने आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो अभी आपको दिखा रहे हैं आपने उसे पसंद किया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।